अभी हमारे साथ जोशी जी मौजूद हैं, लगातार आगे बढ़ते हुए भी हमें नजर आते हैं। सर, एक पत्रकार आपसे जो सवाल करता था, आज वो खुद सवालों के घेरे में भी आएगा, उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे, उनके सामने भी कोई पत्रकार खड़ा होगा। त्रिभुवन चौहान उपचुनाव के लिए केदारनाथ में हुंकार भर चुके हैं, आज आप ही के साथ क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? देखिए, त्रिभुवन चौहान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा जो ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं, इनको खाल फेंकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आम जनता से मेरी अपील है कि उनका सहयोग देना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। और त्रिभुवन चौहान जी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, विधानसभा के पटल पर अगर पहुंचेंगे और वहां आम जनता की आवाज़ को प्रखरता से रखेंगे तो निश्चित तौर से केदारनाथ की जनता का विकास होगा। जिस प्रकार कांग्रेस जो है मैनेज है और भाजपा मूर्ख बना रही है, तो इन दोनों दलों ने जिस प्रकार केदारनाथ की जनता के साथ जो छलावा किया है, उस छल को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे त्रिभुवन भाई मैदान में, तो स्वराज सेवा दल पूर्ण रूप से तन मन धन से उनका सहयोग और समर्थन करता है। सर, त्रिभुवन सर निर्दलीय लड़ना चाहते हैं, उसके बाद भी वहाँ पे दो पार्टीज ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तो उन सब के बीच में एक त्रिभुवन चौहान अपना चेहरा लेके आते हैं, इतना कुछ होता है तो क्या सच में? देखिए, जनता के लिए कोई स्ट्रांग और कोई कमजोर नहीं होता है। जनता अगर प्रत्याशी अच्छा है तो निश्चित तौर से बदलाव करती है, और कांग्रेस और भाजपा से जनता त्रस्त हो चुकी है। लगातार इन 24 वर्षों में उनके कृत्यों को देख रही है और जनता समझ चुकी है कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो भाजपा को मैनेज करती है, और जब भाजपा सत्ता में होती है तो कांग्रेस को मैनेज करती है। लेकिन अंततः इन दोनों का जो कार्य है वो केवल पैसे कमाने का, उत्तराखंड की जनता का शोषण करना है, जिसको दूर करने के लिए जो है त्रिभुवन भाई मैदान में आए हैं। और आम जनता समझ चुकी है पूर्ण रूप से, आम जनता मैं आशा करता हूँ कि उनका सहयोग करेगी और उनका साथ देगी और भारी से भारी मतों से जो है हमारे त्रिभुवन चौहान जी को विजयी बनाएगी। सर, इतना सब कुछ आपने बोला, पर आप एक राजनीतिक को बहुत अच्छे से समझते हैं राजनीति क्या होती है, मगर एक पत्रकार का उठकर राजनीति की तरफ आ जाना, इतिहास गवाह है कि अगर पत्रकार निर्भीक हो या ज़्यादा से ज़्यादा वकील भी, आज आप देखिए विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकार और वकील हैं, बस आज अगर कोई व्यक्ति पैसे कमाने के उद्देश्य से राजनीति करेगा या जिसका उद्देश्य पैसे कमाना है और चंदा मांगना है, अगर इस प्रकार के कृत्यों को करेगा तो जनता ये भी समझती है कि व्यक्ति चुनाव क्यों लड़ रहा है। तो त्रिभुवन भाई का ऐसी कोई लालसा नहीं, इसलिए निश्चित तौर से त्रिभुवन भाई विधानसभा के पटल पर पहुँचेंगे और पहुँचने चाहिए। आम जनता का सहयोग बहुत जरूरी है और मैं आशा करता हूँ कि जनता भारी से भारी मतों से जो है त्रिभुवन भाई को विजयी बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठाते उठाते आज आप एक पत्रकार की तरफ आ चुके हैं, त्रिभुवन चौहान केदारनाथ से उपचुनाव की घोषणा कर चुके हैं कि वो लड़ेंगे, क्या लगता है आपको किस तरीके की रणनीति उनको होनी चाहिए, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए भी हैं सब तमाम चीज़ें, मगर एक पत्रकार का राजनीति की तरफ आ जाना क्या लगता है आपका, आपका मत क्या कहता है? देखिए, त्रिभुवन चौहान जी को सपोर्ट करने का मकसद से हमारा ये है कि देखिए, बेरोजगारी की उन्होंने हमेशा जो है साथ दिया है, और वो आज से नहीं, पिछले 3-4 साल से खुद हम उनको पर्सनली देख रहे हैं कि लगातार जो है बेरोजगारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम याद दिलाते हैं, घोटाला हुआ था BDO BPDO का साल 2021 में, उस समय उन्होंने एक टॉपर को सामने लाया था और उस टॉपर ने सारी, उन्होंने जो है ऐसे ऐसे सवाल पूछे इस प्रदेश के हित में और बेरोजगारों के हित में कि वो जो टॉपर था, जो फर्जी टॉपर था, उसने सब कुछ उगल दिया, वो भी उनके कैमरे के सामने। तो आप ये समझ सकते हैं, उसके बाद फिर लगातार रैलियां कवर करनी हो, चाहे बेरोजगारों ने जो लाठियां खाई उसको दिखाना हो, तो त्रिभुवन चौहान ने वो सारी चीज़ें दिखाई हैं। और हम ये चाहते हैं कि प्रदेश में फिलहाल जो बेरोजगार हैं, जो 9 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, उनकी आवाज कोई बने। हम चाहते हैं कि अगर वो केदारनाथ में चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां पर कम से कम जो है बेरोजगारों की आवाज उठाए। हाल फिलहाल में हमने इतनी रैलियां कर ली हैं, प्रदर्शन कर लिए हैं, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है हमारी बातें नहीं सुन रहा है बेरोजगारों की। तो हम चाहते हैं केदारनाथ जो बाबा केदार की धरती है, उस धरती से बेरोजगारों की आवाज़ उठाई जाए और त्रिभुवन चौहान जी जैसे योग्य जो उम्मीदवार हैं, जो पहाड़ के, जनहित के और जो उत्तराखंडी, असली उत्तराखंडी है, उनको मौका दिया जाना। सर, ये सारी बातें तो आपने अभी त्रिभुवन चौहान जी के बारे में वो कही कि जो धरातली है वो पत्रकार थे, धरातल पे आकर उन्होंने बेरोजगारों की आवाज़ सुनी या फिर चाहे बेरोजगारों पर लाठी बजी उसको भी दिखाने का प्रयास किया, ऐसे क्या गुण देखते हैं आप त्रिभुवन चौहान के अंदर कि हाँ भाई कि अब आपको सर पत्रकारिता के साथ साथ राजनीति में आना चाहिए, आपको कुछ करना चाहिए, तो ऐसे क्या चीज़ आपने देख ली उनके अंदर? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमें ये जो दिल्ली वाले दल हैं इनको दूर भगाना है। दिल्ली वाले दलों की वजह से ही इस प्रदेश का सत्यानाश हुआ है,
और त्रिभुवन चौहान जैसे जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व को आगे इसलिए बढ़ाया जा रहा है, एक सच्चा उत्तराखंडी है, हर मुद्दे पर बोलता है और डंके की चोट पर बोलता है। और वही हमें जो है भलीभूति हमें ये पता है कि अगर ऐसा व्यक्तित्व है जो हर मुद्दे पर बोलता है, जो राष्ट्रीय दल नहीं बोलते हैं, चाहे अंकिता भंडारी का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर मूल निवास भू कानून का मुद्दा हो, त्रिभुवन चौहान उस हर मुद्दे पर आगे आए हैं जो हर उत्तराखंडी के लिए एक बेहतर है। तो हमने भी ये फैसला किया कि जब ऐसा शख्स सामने आ रहा है और वो हाल फिलहाल में केदारनाथ उपचुनाव लड़ रहा है तो क्यों नहीं उसका सपोर्ट किया जाए। तो हम सब ने ये समर्थन हम उनको दे रहे हैं कि आप लड़िए और वहाँ से बेरोजगारों की आवाज़ बनिए, इसके साथ साथ आप जो है सच्चे उत्तराखंडी की आवाज़ भी वहाँ से बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद, देर से आपका इंतजार चल रहा था, अब तो हुंकार भर दी त्रिभुवन चौहान जी ने, माफ़ कीजिएगा। मगर किस तरीके से आप देखती हैं कि यार त्रिभुवन चौहान जो पत्रकारिता क्षेत्र में तो अव्वल दर्जे पर हमेशा रहे, क्या राजनीति क्षेत्र में भी रहेंगे, क्योंकि आप राजनीति से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से जुड़ी हैं और पकड़ समझती हैं। भाई शुभकामनाएं दूंगी पहले मैं त्रिभुवन भाई को। जब लॉकडाउन हुआ था ना वे दौरान भाई ने कम से कम हजारों की संख्या में हमारे युवा उत्तराखंड में बोले हैं ना, और उनको उनके स्थानों पर तक पहुँचाया, और समाज सेवी तो है ही, वो साथ में एक पत्रकार भी है। उन्होंने रुद्रप्रयाग के गांव गांव में जा, पहले तो पूरे उत्तराखंड में नहीं, उधर रुद्रप्रयाग का तो हर गांव में जाया जाता है, उन्होंने लोगों की समस्याएं उठाई, लोगों की परेशानियां उठाई। तो मुझे लगता है कि वाकई में ऐसा व्यक्ति को बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि कोई ठप्पा नहीं लगे क्योंकि कांग्रेस पर तुम मोर लगा, कोई ठप्पा नहीं तुम बीजेपी पर मोर लगा, और यूँ नमो तो करी क्या चल, पूरा प्रदेश में तो यूँ शराब की दुकान छन खोली है ना हमारा, कम से कम ये बात को तो गर्व है कि हमारा अपराधी मौलू तो कम से कम वो दारू तो हमारे बच्चों बर्बाद तो निकलो, तेरह तो शराब की फैक्ट्री छन, 200 से ज्यादा यूँ शराब की वो ठेका छन खोलिया, पूरा देवभूमि में जगह जगह शराब, मतलब अंकिता भंडारी वाल कांड हो जाते, बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाते हैं ना। लेकिन जो ये मतलब जो राष्ट्रीय पार्टी चली उन्होंने हमारे प्रदेश सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करी, तो मैं तो दिल से चाहूँ कि मेरे भाई अग्नि आओ एक शेर चो पूरा रुद्रप्रयाग जनपद को, और हम लोग पूरे समर्थन का साथ हुएगा, दगड़ में खड़े हुए हैं, थोड़ा मैं तो और मैं लेट हुए कि लगे थोड़ा ट्रैफिक चो ना, कोई बात नहीं है, यख लेटे हुए हैं मैं समझ रहा हूँ तमाम चीज़ें, मगर जो दिल की भावना छ और जो तमाम चीज़ छन मैं यंथ लग रही कि आप और से पहले एक पहुंच गए थे। हाँ, बिल्कुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आप मिला मैं और भी जब सब ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिमल जी, अब आपके साथी एक ऐसे हैं जो कि पहले तो आपसे सवाल जवाब करते थे, आप खुद सवाल जवाब के घेरे में पत्रकारों के सामने आएंगे, सवाल भी होंगे, त्रिभुवन चौहान हुंकार भर रहे हैं उपचुनाव के केदारनाथ से, मगर क्या लगता है आपको कि एक पत्रकार, आप भी थे एक पत्रकार, राजनीति को किस तौर पे देखेगा, क्या सच में एक पत्रकार उस मुकाम तक आ जाएगा, आ जाएंगे सीट लेके या फिर नहीं? जो भी पत्रकार रहे हैं और अगर वो राजनीति में आए तो आपने देखा होगा, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के आप इतिहास उठा के देख लीजिए, वो बेहतर राजनेता शामिल हुए साबित हुए हैं, क्योंकि पत्रकारिता के साथ साथ समाज को आदमी सिखाता तो है, समझाता भी है, लेकिन वो खुद को भी समझता है, खुद से भी समाज को समझता है। तो पत्रकारिता में जो सरोकार त्रिभुवन चौहान जी के रहे हैं, जो जनता की आवाज़ उठाई भी, हमारा तो साफ कहना है कि जिन भी प्रत्याशियों को टिकट मिलेगा आप टिकट की घोषणा होने दीजिए, और जनता को निवेदन है कि आप कंपेयर करिए कि कौन व्यक्ति है जो पिछले लंबे समय से आपके सरोकारों के लिए आपके मुद्दों को आवाज़ उठा रहा है, सड़कों पर उठा रहा है, और कौन लोग नहीं उठा रहे, कौन लोग टिकट मिलने के बाद आपके सामने आए हैं। तो भाई जो आदमी कल तक लंबे समय से सड़कों पे आपकी आवाज़ उठा रहा है, अगर आप उसे सदन में भेजोगे तो आपकी आवाज़ को सदन में भी उठाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे प्रत्याशियों को भेजोगे जो प्रोफेशनल राजनीतिबाज हैं, प्रोफेशनल ढंग से राजनीति में आए हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, वो फिर वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। तो इसलिए अगर राजनीति को बदलना है और अगर आप वर्तमान राजनीति से संतुष्ट नहीं है तो वैकल्पिक राजनीति से उन लोगों को चुनिए कि जो लोग आपके साथ पहले से ही हैं, आपकी आवाज़ को हमेशा से उठाते रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप ताकत देंगे तो और ताकत से उठाएंगे। तो यही हमारा निवेदन है और इसी के तहत हम आज त्रिभुवन चौहान जी को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए। मैम आप क्या कहेंगे इस विषय में, क्या किस तरीके से देखते हैं त्रिभुवन चौहान को, राजनेता देखते हैं या फिर वही पत्रकार देखते हैं जो कि सड़कों में बेरोजगारों के साथ लाठियां भी खाई है, धूप भी खाई है, धूल भी खाई है, सब कुछ खाई है, पर आप राजनीति की और वो आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? अच्छी बात है, राजनीति में आना ही चाहिए, संघर्ष पत्रकारों से ज़्यादा संघर्ष किसने देखा है, वो तो हर मुद्दे पे पहाड़ के कोने कोने तक पत्रकार ही जाता है, और यदि उस संघर्ष को वो मैदान पे लाते तो इसमें अच्छी बात है, कोई बुराई तो है नहीं और बहुत ही अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं जिसको ज़्यादा अनुभव है, लोग वहाँ और पार्टियाँ यहाँ पे फिल्में दिखा रहे हैं पहाड़ों की, और पहाड़ का हमारा यदि कोई पत्रकार पहाड़ में रह के वहाँ की फिल्म को दिखा रहे हैं तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या है, मान ले उस फिल्म को
साकार करने के लिए उनको खुद मैदान में आना पड़ेगा, इसलिए हमारा समर्थन है। और बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ भी है और सबसे ज़्यादा जानकारी इनको ही है, इनका ही अनुभव ज़्यादा है और हम सभी का समर्थन है उनके साथ, क्योंकि वो पहाड़ के मुद्दों पे बहुत चिंतित भी रहते हैं, लगातार आवाज़ उठाते हैं। और ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए, हमारा पूरा पूर्ण रूप से पूरी मातृशक्ति का पूरी पार्टी की तरफ से, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की तरफ से पूर्ण समर्थन है और हमें खुशी है और अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं उनको। बहुत धन्यवाद मैम। आप क्या कहेंगे कुछ इस विषय में कि अब तो चौथा स्तंभ जहां पत्रकारिता करके जागरूक करता था लोगों को, आज वो खुद राजनेता बनने के लिए तैयार है कि चलो भाई जब पत्रकारिता के माध्यम से जो नहीं कर पाए वो राजनेता के माध्यम से करना चाहते, तो इस विषय में क्या कहेंगे कुछ? सर सबसे पहले आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। देखिए पत्रकारिता हो चाहे मीडिया हो, मीडिया ही और पत्रकारिता ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा देखिए समाज में कुछ भी हो रहा है और वो आप लोग खुलासा करते हैं और आप लोग कह रहे हैं कि पत्रकारिता के बाद वो लोग राजनीति को कर रहे हैं। तो देखिए ये चौथा स्तंभ जो तैयार हो रहा है वह इसलिए हो रहा है कि देखिए आप जैसे राजनीति में हो रहा है कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी आती है आके चली जाती है वादा करते हैं, लेकिन जो धरातल पर दिख रहा है जैसे हमारे चौहान जी हैं तो जो धरातल पर लगातार काम कर रहे हैं, तो हमारी राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की पूरी टीम उनको समर्थन दे रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी प्रदेश अध्यक्ष, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हम सभी की तरफ से उनको एक समर्थन है और हमें लगता है कि बहुत जल्द ही चौथा विकल्प तैयार होगा और जल्द ही बदलाव जरूर होगा। तो बाबा भोलेनाथ की धरती पर जहाँ स्वयं मात्र शक्ति मौजूद है, आदि शक्ति जो बाबा भोलेनाथ को भी वहाँ पे पूजा जाता है, हर तमाम चीज़ें होती है, मगर जब हमारी मातृशक्ति ने तमाम चीज़ें कर दी है तो हुंकार भर दिए। मैम अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात होंगे, मगर अब मातृशक्ति पूरा एक जुट बन के, मैं कहूँगा कि पांचों उंगली अगर साथ है मुट्ठी बन जाती है और दर्द भी ज़्यादा होता है। क्या कहेंगे सभी मातृशक्ति के बारे में इस विषय में? इस राज्य को बनाने में इन महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहे, जो हमारे दादी ने आंदोलन करी, नानी ने आंदोलन करी, तभी हम तो ये राज्य मिली। बेचारे लट्ठ पकड़े पकड़े थे गए वे जमाने में और आज हम लोगों देखना चाहें क्या स्थिति हमारे राज्य की होनी चाहिए। अभी हम लोग भू कानून की मांग करना चाहें और भू कानून संबंधित समिति से भी मैं जुड़ी हूँ। आपने देखिए बोले कि जो लोक संस्कृति का जो कपड़ा पहना था, हमारी पूरी टीम इस केस में जाए तो हम पूरी तरह से त्रिभुवन भाई के साथ छा और हम जोला केदार घाटी में हमारे तो मैं ससुराल वो खींचे तो अब देव देवताओं में जोला और प्रार्थना कर ला कि हमारे भाई थे अच्छे मार्गदर्शन मिल लो और जीत बोले हमारे निश्चित रूप से। कि लेकिन हम बहुत बार देखें राष्ट्रीय पार्टी का भी कभी ये पर यू नहीं थी, ये पर हमारा वोट, यू नहीं थी ये पर हमारा वोट, और वैसे हम इसमें कि हम लड़े रहेगी बोले हम लड़ दे रहे हैं तो हम हमेशा ही लड़ते रहे और अब हम चाहते हैं कि हम अधिकार, तो हमने मुख्यमंत्री जी से भी मांगा था कि आप हमें भू कानून दे रहे हैं तो हमारे कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं से, ये हमारा अधिकार है और ये हमें मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और देहरादून प्रेस क्लब में इस वक्त मौजूद हैं हम पत्रकार, बोले अब उनको या फिर यूं कहे कि राजनेता हैं वो, दोनों में अभी थोड़ा बहुत चीज़ें जरूर है, उनसे भी एक साक्षात्कार करेंगे, वो भी जानेंगे। देहरादून प्रेस क्लब में मौजूद हैं, यहाँ पर हुंकार भरी गई है त्रिभुवन चौहान द्वारा कि हाँ वो उपचुनाव के लिए लड़ने वाले हैं केदारनाथ में। क्या कुछ होता है, 20 तारीख का दिन होगा और 23 तारीख का वो दिन जिस दिन रिजल्ट आने वाला है, क्या कुछ उस दिन होता है, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। लोकार्पण को तमाम चीज़ आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। जय